हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो यहाँ पे जो है मम्मी जी मैदा को छान रहे हैं, और पहले से हमने ये तसला में चावल का जो आटा होता है वो लगा के रखे हुए थे, फिर उसमें ऐड कर रहे हैं मैदा का आटा, और फिर उसके बाद जो है दोनों को मिक्स करने वाले हैं। और मिक्स करने के बाद जो हम चक्की खाते हैं ना, शक्कर बोलते हैं, अंगूर कुछ भी बोलते हैं, तो इस तरह से देखिए पानी में घोल ले रहे हैं ये देखिए। और उसके बाद जो है ना इसमें ऐड करने वाले हैं, पूरा अच्छे से मिक्स करने के बाद जो ये आटा है मैदा चावल का, और मैदा जो है इसमें ऐड करने वाले हैं। और ऐड करने के बाद जो है आप सभी को दिखाती हूँ किस तरह से इसको तैयार करता है। फिर पानी गर्म करना होता है, और पानी ये भी पानी गर्म करके ही घोल तैयार किए हैं। और उसके बाद जो है पानी इसमें ऐड करेंगे, फिर चीनी भी, चीनी का डब्बा भी आप सभी देख रहे हैं, तो चीनी का डब्बा लाए हुए हैं और चीनी भी ऐड करने वाले हैं। और गर्म पानी ही यूज होता है इसमें, तो क्योंकि ये देखिए, और ये जितना है कुटुक मसाला जो ये रहता है ना, नारियल, छोहरा, काजू, किशमिश सब, तो इसमें ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पे डाल रहे हैं जितना लग रहे हैं, हम जितना हमारे फैमिली में मेम्बर है उतना के लिए देखिए अंदाज से ही मम्मी जी जो है ना इसमें चीनी ऐड कर रहे हैं। और फिर पानी से, पानी ऐड करते हुए इसे मिलाना है। और ये रात को ही भिगा के रख दिए हैं मम्मी जी ने, क्योंकि कल जो सुबह सुबह होली है, तो होली पे जो है मनाने वाले हैं, तो वो भी आप सभी के साथ शेयर करूंगी। और ये जो है रात में ही इसको ऐड करके रखे हुए हैं सभी कुछ को मिक्स करके, जो अच्छे से इसका जो है ना घोल अच्छे से तैयार हो जाएगा। और ये जो चावल होता है ना, चावल का जो आटा, उस दरदरा होता है, तो वो जो सॉफ्ट होने के लिए ना ये रात में ही भिगो के रखना होता है। फिर आगे आप सभी को नेक्स्ट सुबह का दिखाती हूँ। तो ये देखिए नेक्स्ट सुबह में ये देखिए इतना इतना अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो गया है, और आप सभी देख ही सकते हैं ये कितना अच्छे तरह से सॉफ्ट हुआ है। और सॉफ्ट होने के बाद इस तरह से मम्मी जी जो फिर भी मिक्स कर रहे हैं सभी को एक जैसा, और फिर इसमें चेक करने वाले हैं कि ये बन रहा है कि नहीं। तो हमारे इधर तो पुआ भी बनता है, लेकिन हमें मम्मी जी जो है ना सेल रोटी बनाने वाले हैं, इस तरह का जो होता है ना, इस तरह से बनाने वाले हैं, तो वही शेप देख रहे हैं कि बनेगा कि नहीं। तो मम्मी जी यहाँ पे देखिए बना रहे हैं, और कितना परफेक्टली एक ही बार में जो है डाले, और कितना परफेक्टली जो है तैयार हो गया है, आप देख ही सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप सभी के साथ मैं हर फेस्टिवल में, हरेक हरेक जो हमारे इधर होता है, हर एक फेस्टिवल में, हर एक त्योहारों में ना, हमारे यहाँ पे जो अलग अलग पकवान बनता है, अलग अलग तरीके का सभी कुछ बनता है, तो वही चीज़ मैं सोचती हूँ कि आप सभी के साथ मैं जो भी चीज़, जो भी त्यौहार में आते हैं, फेस्टिवल जो त्यौहार आते हैं, उस तरह से हमारे इधर जो पकवाने बनता है, तो इसलिए मैं आप सभी के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आशा करूँगी कि ये वीडियो भी आप सभी को बहुत पसंद आए होंगे। और हमारे मेरे फैमिली में कौन आए हुए हैं और क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, आप सभी फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो देखिएगा, छोटा सा वीडियो है, आप सभी को कोई बोर फील नहीं होगा फ्रेंड्स। और आप सभी को हमारे न्यू मेहमान के साथ भी मिलाती हूँ और दिखाती हूँ कि हमारे कौन आए हुए हैं। तो आशा करूँगी कि ये वीडियो भी आप सभी को बहुत पसंद आते होंगे। और तो ये देखिए सेल रोटी जो है, एक जो है मम्मी जी ने बना लिए हैं, और उसके बाद जो है, और ये जो काला काला दिख रहे हैं फ्रेंड्स, ये ही है शेप, ये जो है ना सेल रोटी का शेप बनता है ना, इसीलिए सेल रोटी जो है बनके अब रेडी, एक दो बनके जो है रेडी होने वाला है। और आप सभी को मैं दिखाती हूँ, मैं कैमरा ऑफ कैमरा में सभी कुछ किए, क्योंकि पूजा और होली वगैरह का, क्योंकि यहाँ पे अभी जो है मम्मी जी और मैं ही ये सब करती हूँ, संभालती हूँ, तो इस वजह से क्या होता है, बहुत ऐसा टाइम का ना ये हो जाता है, तो इसलिए ना जो नहीं शूट कर पाई, और मेहमान लोग होते हैं घर में, तो तब तो बहुत ही भागा भागी होता है, और दिमाग भी शांत नहीं रहता है कि क्या करूँ और नहीं करूँ, तो इसलिए। और ये देखिए कितना परफेक्टली मम्मी जी ने जो है एक जो सेल रोटी है, काफ़ी सारा सेल रोटी बना के तैयार किए हैं, आप सभी को दिखाती हूँ बनने के बाद किस तरह से दिख रहा है ये। तो ये देखिए इस तरह से दिख रहा है। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी होली आप सभी को। और आप सभी को दिखाती हूँ हमारे फैमिली मेम्बर में एक नया मेहमान आ गए हैं, एक नहीं तीन मेहमान आए हैं नया,
तो दिखाती हूँ कौन कौन है। और जागृति हैप्पी होली, हैप्पी होली बोली तो ऐसा सो करे तो हाथ हिले तो दिखाया। तो ये है मेरी ननद छोटी और आई है मेरे साथ होली खेलने के लिए। देखिए कैसे होली खेली है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मेरा नंदोई जो हम भाई मानते हैं। हैप्पी होली। ये है मेरी भांजी। हैप्पी होली भने दो ता हैप्पी होली भने हैप्पी होली ऐसा सो कर दो टाटा कर दो टाटा ऐसा सो। आप सभी को मैं दिखाई कि हमारे फैमिली मेंबर में कौन आए हैं और यहाँ पे देखिए कितना सारा खाना खाने वाले हैं मैं और मेरी ननंद। और बोल रही हूँ कि लेके आइए सभी खाऊंगी कौन कितना खाता है। हैप्पी होली फ्रेंड्स। और आज आप सभी भी हमारे इधर का पबजी पे देखिए होली में किस तरह से बनता है। और अभी जो है कितने साल हो गए, 1 साल से ज्यादा है ना और साथ में हम लोग बैठ के 1 साल नहीं 3 साल से ज्यादा हुए क्योंकि हम 2 साल वहाँ पे थे ना। तो साथ में बैठ के हम लोग खाना नहीं खाए थे ननंद के साथ। तो आज देखिए होली के त्योहार में मेरी ननंद और मैं और ननंद के बच्चे और मेरे बच्चे बैठ के होली का त्योहार का जो बनाए हुए है स्पेशल डिश वो खा रही हूँ। इंजॉय करिए आप सभी भी आइए। और यहाँ पे देखिए ये सब हम सब खाने वाले हम मैं और मेरी ननंद इंजॉय करिए। कौन कितना खाते ननंद या कि मैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमने जो त्योहार पे जो बनता है वो तो हमने बना के भी और खा के भी आप सभी को दिखाई हूँ। और अब जो है बना है वो है मटन करी और राइस मैं बनाई हूँ। और यहाँ पे देखिए और मैं ये करी दिखा रही थी क्योंकि मैंने काफ़ी सारा जो है खिला चुकी हूँ और इतना बचा है। और यहाँ पे देखिए ये है मेरी नंदोई, ये है अंकल ससुर और ये है मेरा जेठ जो त्योहार पे आए हुए है। और हमारे इधर ऐसा ही होता है। तो आप सभी को फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। हैप्पी होली सभी को।